हेलो, दाल में तड़का लगाने जा रहे हैं हम। देखिए क्या क्या डालते हैं। ये थोड़ा सा तेल हो गया, ज़्यादा तेल नहीं डालते हैं हम गर्म होने तक। इसके बाद जीरा डालेंगे। पहले जीरा, जीरा तो ज़रूरी है डालना। गर्म हो जाने तक, मेरा दाल बहुत थोड़ा कम है इसीलिए इतना कम डाले हैं तेल। देखिए जीरा डाल दिए, इतना से ही हो जाएगा ना। अब डालेंगे इसमें लहसुन, देखिए सब काट के रखे हैं। टमाटर, प्याज, लहसुन, मिर्चा, धनिया पत्ता तो नहीं है अभी, वो रहता तो और अच्छा होता, अभी ख़त्म हो गया है मेरा। इसके बाद डालेंगे ये मिर्चाई, हरा मिर्च, थोड़ा भून लेंगे। दाल में ही हम तेल डालते हैं ना बनाते समय, इसलिए थोड़ा कम तेल डालें। दाल पकते समय थोड़ा तेल डालने में तो घिरता नहीं है कुकर से। इसके बाद टमाटर और प्याज दोनों साथ में डालेंगे। धनिया से पकाएंगे, ज़्यादा तेज कर, ज़्यादा तेज से जल जाएगा। थोड़ा सा नमक डालेंगे, दाल में तो है नहीं लेकिन इसके लिए थोड़ा सीझने में आसान होगा, अच्छा से पक जाता है। थोड़ा सा नमक डाल देने से और कम कर दीजिएगा थोड़ा देर, सब करके ही अच्छा होता है। अब हो गया है, थोड़ा सा घी डाल देंगे। घी बच्चे लोग को अच्छा लगता है लेकिन थोड़ा सा डाल देते हैं। अब हो गया है, अब इसमें दाल डालेंगे पक चुका है। दाल डाल के तेज कर देते हैं, जल्दी उबलेगा। देखिए इसमें दाल बहुत कम है, थोड़ा उबाल आने तक रुक जाएंगे, उसके बाद तैयार हो गया। इस पर तक सब्जी नहीं रहने से भी हो जाता है, सब लोग पसंद करता है, घर में बच्चा लोग बड़े लोग सबको अच्छा लगता है। हो गया उबाल आने तक, थोड़ा सा रुक जाते हैं। टीच कर दिया है गैस को, इतने से ही दाल का वो टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। बाय।